डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी। सभापति महोदय, संस्कृत का एक श्लोक है, यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ते अध्रुवम नष्टमेव हि। जो व्यक्ति दीर्घकालिक हित, दीर्घकालिक जरूरत और आवश्यकता को छोड़ करके तात्कालिक और अल्पकालिक लाभ की दृष्टि से काम करता है, तात्कालिकता उसके साथ रहती नहीं है और दीर्घकालिकता वो स्वयं छोड़ चुका होता है। पर्यावरणीय संतुलन के साथ अगर भारत को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के सारे देश ठीक यही आचरण कर रहे हैं। अकेले हम हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पित भाव से पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधे पर लागे आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया के सामने एक उदाहरण रखने का प्रयास कर रहे हैं। जान सब रहे हैं, समझ किसी को नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना कि कोई अगर सोया हो तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन कोई अगर सोने का नाटक कर रहा हो तो उसे कोई भगवान भी नहीं जगा सकते। पूरी दुनिया जानती सब है, आंख मूंद करके बन के पड़ी। जिस प्रकार से पर्यावरण को अभी भी पिछले 2-3 दिनों में लगातार 2-3 सवाल माननीय प्रमोद भाई यहाँ बैठे हैं, आपका ही एक सवाल लगातार समुद्र के लेवल को लेकर के, शायद ये सदस्य भी सब चिंतित हैं, लेकिन भारत के हैं इसलिए चिंतित हैं, दुनिया के हैं इसलिए चिंतित नहीं है। जो स्थिति वातावरण की दिख रही है और जो पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, 2021 का सदी समाप्त होते होते हमारी 1/3 जमीन जंगल में बंजर बन चुकी होगी। हमारे तकरीबन 300 करोड़ से लेकर के 350 करोड़ लोग खतरे में जा चुके होंगे। हमारे 70 करोड़ लोगों की स्थिति ये होगी कि वो करीब करीब अपनी जमीनों से उखड़ चुके होंगे। समुद्र के लेवल का आप सवाल पूछ रहे थे, तकरीबन 2021 आते आते समुद्र का लेवल 1 से 2 फीट ऊपर हो चुका होगा। मैं इधर पार्टी की ओर से लक्षद्वीप भेजा जाता हूँ, लक्षद्वीप की चारों ओर की सुरक्षा उसकी कोरल रीफ करती है, अन्यथा समुद्र की लहरों में वो कब डूब जाए पता नहीं चलेगा। और अगर टेम्परेचर का बढ़ना इसी तरह जारी रहा तो ये सारी कोरल रीफ्स, उनका अधिकांश हिस्सा अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ गया, 2 पर तो पहाड़ आ जाएगा, तो उसका बहुतायत हिस्सा समाप्त हो जाएगा और वहाँ की सभ्यता खतरे में आ जाएगी। ये सब पढ़ रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट भारत नहीं पूरी दुनिया बना रहा है, लेकिन उस रास्ते पर चल नहीं रहे। माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा और माननीय मंत्री जी के माध्यम से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा। मुझे नहीं मालूम शुरुआत में आपने अपना विचार रखा है या नहीं, अभी COP 27 हुआ, 22 नवंबर को एक डाटा प्रकाशित किया गया। 22 नवंबर के उस डाटा में एक क्लाइमेट चेंज परसेप्शन इंडेक्स बताया गया, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, अर्थात कौन से वो देश हैं जो पर्यावरणीय संतुलन से और आने वाले परिवर्तनों का मुकाबला करने के लिए सबसे जागरूक हैं। और हम गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि उस पूरे के पूरे परसेप्शन इंडेक्स में अगर स्वीडन, डेनमार्क, मोरक्को और चिली जैसे छोटे छोटे देशों को छोड़ दिया जाए तो सारे बड़े देशों के बीच में सबसे पहला स्थान किसी का है तो मोदी जी के भारत का है। पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया है और मैं इसके लिए माननीय अक्षय ऊर्जा मंत्री जी को बधाई दूंगा। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये पूरी दुनिया के, जर्मन वॉच ग्रुप है जो पूरी दुनिया के पर्यावरण में कौन से देश क्या कर रहे हैं पर्यावरणीय रक्षा के लिए, उनका 4 आधारों पर 40% इंडेक्स देते हैं वो ग्रीन हाउस एमिशन को, 20% इंडेक्स देते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी को,
20% इंडेक्स वो देते हैं एनर्जी यूज को और 20% इंडेक्स देते हैं क्लाइमेट पॉलिसी को, और वो सारी इंडेक्सिंग करके जो आंकड़ा सामने निकल करके आया कि सर्वोत्तम और पहला स्थान अगर किसी का है तो भारत का है, और हो भी क्यों नहीं। अध्यक्ष जी, मैं ईमानदारी से स्वीकार करूंगा, जब 2014 में मोदी जी आए तो अचानक उनकी ओर से घोषणा आई, वो जो घरों में हम लोग अपने बल्ब लगाया करते थे 100 वाट के, 60 वाट के, और ट्यूबलाइट्स बड़ी बड़ी लगाया करते थे, अचानक उनकी ओर से घोषणा आई कि हम एलईडी बल्ब बेचेंगे, सस्ते में एलईडी बल्ब बेचने का काम उजाला योजना के तहत शुरू हुआ। मैं भी सोचने लगा और बहुत से लोग सोचने लगे कि अब प्रधानमंत्री का काम यही बच गया है कि वो एलईडी बल्ब को प्रमोट कर रहे हैं। मैं सही बता रहा हूं, जनता के बीच में इस बात की चर्चा होती कि सरकार को एलईडी बल्ब बेचने की जरूरत क्या पड़ गई। उस जमाने में जब जैसे जनधन योजना माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया था तो हम में से बहुत लोग कहते थे कि अरे क्या मतलब है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका बैंक में अकाउंट खुलवा के क्या करेंगे। और जब जनधन योजना में अकाउंट खुला और ये ढेर सारी योजनाएं हम अकाउंट के माध्यम से देने लगे तो हमें समझ में आया कि इन 43 करोड़ जनधन योजनाओं का लाभ नागरिकों को हम कैसे दे रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री कहता था 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा बचता है, और हमारा प्रधानमंत्री कहता है गारंटी के साथ कि 1 रुपया चलेगा तो 1 रुपया ही पहुंचेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे नहीं मालूम मगर विधानसभा में तो हम लोग अधिष्ठाता ही कहते थे, उपसभापति महोदय बोलिए सर। उजाला योजना जब शुरू की गई, शुरू होते होते पता नहीं चला, आज का जो आंकड़ा है उजाला योजना के नाते कुल 4 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बिजली की बचत प्रतिवर्ष भारत में होती है। 4 करोड़ टन प्रतिवर्ष की बचत होती है। माननीय रेल मंत्री जी यहां बैठे हैं, अभी अचानक आ गए, अच्छा हुआ, बधाई तो सामने देनी चाहिए, इसलिए देनी चाहिए कि किस प्रकार से रेल मंत्रालय ने अपनी नीतियों को बदला और इस चुनौती को स्वीकार किया। जो चुनौती मोदी जी ने दिया था उस चुनौती को रेल मंत्रालय ने स्वीकार किया कि 2030 आते आते हम रेल मंत्रालय के सारे काम को नेट जीरो कार्बन एमिशन पर लाकर के पटक देंगे। यानी शुरुआत के दौर से 2014 से जो नीतियां माननीय मोदी जी ने बनाना शुरू किया था आज उसका फल मिलने लगा। अपने कोई माननीय सदस्य कह रहे थे कि 400 गीगावाट बिजली बनती है, इस 400 गीगावाट बिजली का 42% अच्छा आप इतने सुंदर हैं मैं आपको क्यों ना देखूं? इधर क्या बात कर रहे हैं आप, सो स्मार्ट है फेलो। तो माननीय माननीय उपसभापति महोदय, 400 गीगावाट में से 173 गीगावाट, ये हमारी उनकी विशेष दोस्ती है जान ब्रिटास की, 400 हाँ हमारे साले हैं भाई, चार सौ गीगावाट में से 173 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी भारत इस समय बना रहा है। हमने जो लक्ष्य लिया है 500 गीगावाट के नान फाजिल का, हम 250 गीगावाट का लक्ष्य आज ही पूरा कर चुके हैं। 2030 आते आते हमें बचे हुए हिस्से को पूरा करना है। हमने जो रास्ता तय किया था उस रास्ते पर चलते हुए आज इस कानून को लेकर हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम दुनिया का मार्गदर्शन करना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हम गर्व के साथ कह सकते हैं भारत G20 का समिट का अध्यक्ष है, मैं बस खत्म कर रहा हूं, और G20 का ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत के मुकाबले चुनौती में कहीं खड़ा हो सके। हमने चूंकि अच्छा किया है, हमने चूंकि पर्यावरण की चिंता की है, जो करता है वही कह सकता है। गांधी जी से लोग कहते थे ना, एक बच्चा आया कहा कि गुड़ खाना छोड़ दो, गांधी जी ने कहा कल आना। 7वें दिन उन्होंने बच्चे से कहा गुड़ खाना छोड़ दो, उसकी मां नाराज हो गई, गांधी जी ने जवाब दिया जो काम मैं खुद नहीं करता हूं वो दूसरे को कैसे कहूंगा। भारत सरकार उस काम को खुद करके
G20 के समिट में अब उन्हीं प्राविधानों को लागू कराने का प्रयास करेगी। मैं माननीय मंत्री जी को इस ऐतिहासिक बिल के लिए बहुत बहुत सद्भावनाएं देता हूं और बधाई देता हूं।